अब ये साउथ वेस्ट बढ़ी हुई भूमि, साउथ वेस्ट बढ़ी हुई भूमि जो होती है ये इधर से बढ़ी हुई, साउथ की तरफ से साउथ वेस्ट बढ़ी हुई भूमि, ये भी बहुत अच्छी भूमि होती है, बहुत अच्छी। जैसे नॉर्थ ईस्ट बढ़ी हुई भूमि अच्छी होती है, उसी तरह से साउथ वेस्ट बढ़ी हुई भूमि बहुत अच्छी होती है। अगर ये भूमि ठीक काम करे तो आदमी को कम बोल के भी वो कौन है ये समझ में आ जाता है आपको। ये भूमि अगर गलत काम करे, भूमि के कटान में आता है वो, मैं आपको बता देता हूं भूमि के कटान में, फिर इतना है आप समझ जाइएगा। देखिए आप इस शरीर से परिचित हैं, ये जो शरीर है इससे आप परिचित हैं, इसके अंदर जो मैं बोल रहा हूं इससे आप परिचित नहीं है। ये जो शरीर है इसके आप इस शरीर से केवल परिचित हैं। अगर ये शरीर बंद हो जाए, मुंह बंद कर ले, तो मुझे तो आप जानते ही नहीं है और इस शरीर को भी भूल जाएंगे। आप इस शरीर को क्यों याद रखे हुए हैं? क्योंकि मैं इसमें से बोल रहा हूं, इसमें से जो मैं हूं, जो मैं हूं इसमें, वो ये है। अगर ये गड़बड़ हो गया कहीं से भी साउथ वेस्ट में, जब भी आपको दिखता है कि ये आदमी तो ठीक है, ये चल नहीं पा रहा है, इसकी वो चीज सही नहीं है जो इसके अंदर है। कोई एक्टर है, उसकी वो चीज सही नहीं चल पा रही है जो उसकी कैपेसिटी होती है, जो जिसमें निपुणता पाता है आदमी। मेरे पास अनुभव अभिव्यक्ति दोनों रहे तभी आपको मैं डिलीवर कर पाऊंगा। कहीं पर अनुभव भी है, अभिव्यक्ति भी है, तो भी वो ठीक से डिलीवर नहीं कर पा रहा। नॉलेज भी है तो भी ठीक से आप तक नहीं पहुंचा पा रहा उस बात को। अगर वो आप तक नहीं पहुंचा पा रहा है किसी भी तरह से इस बात को, तो समझिए ये गड़बड़ है। और अगर ये वृद्धि वाली भूमि है ऐसे, तो वो ये गुण उसमें अपने आप ही पाए जाते हैं। वहां रहने वाले सभी लोगों में ये गुण अपने आप ही पाए जाते हैं। मेरा जो मैं है, जो आप, जिसको आप देख नहीं पा रहे, शरीर के अंदर से जो मैं बोल रहा हूं, इस मुंह से मैं बोल रहा हूं, वो अगर ठीक है तो आपसे मैं कनेक्ट हो पा रहा हूं। वो ये है, ये आपकी निपुणता है, आपकी दक्षता है, आपकी क्षमता है। इसको अगर ये भूमि बढ़ी हुई होती है तो ये सारी चीजें अच्छी होती है जो अभी मैंने बताई। अब एक बढ़ी हुई भूमि है, ये तो साउथ की तरफ से हो गई, अब एक बढ़ी हुई भूमि है वेस्ट की तरफ से, और ये गई इधर। ये भूमि, जब ये बढ़ी हुई भूमि हो, इनके यहां ठहराव ज्यादा होता है। ठहराव का मतलब पृथ्वी तत्व का बढ़ना, जिसको बोलते हैं ना पृथ्वी तत्व, हम जिस वजह से जाने जाते साउथ वेस्ट को, जो हम जानते हैं जिस वजह से, ये तो साउथ वेस्ट का पूरा लोगों को नहीं पता रहता है, कुछ लोगों को पता भी होगा। ये साउथ वेस्ट, जिस वजह से हम साउथ वेस्ट को जानते हैं, पितृ की वजह से, या वहां पूर्वज रहते हैं, ठहराव की वजह से, जो भी हम साउथ वेस्ट का जो गुण जानते हैं, वो गुण ये वाले हैं। यहां पर ठहराव ज्यादा होता है, बच्चे वगैरह होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो कंसीव करना जिसको कहते हैं, किसी बात को भी कंसीव कर लेना अंदर में, हो सकता है इंग्लिश का इसका एप्रोप्रिएट मीनिंग मैं नहीं जानता हूं, कंसीव केवल हो सकता है उसी संबंध में बोला जाता हो, पर किसी बात को भी ग्रहण कर लेना, पचा लेना, किसी बात के बीज को, विचार के बीज को पकड़ के उसको बड़ा कर लेना, ये जो क्षमता डेवलप होके जो आती है इधर, वो यहां से पाई जाती है। अगर ये भूमि बढ़ी हुई है तो उस परिवार के सभी लोगों में एक ठहराव दिखेगा। ठहरे हुए लोग होते हैं, ठहरे हुए व्यक्ति होते हैं, इज्जतदार होते हैं, खानदानी होते हैं, वो ऊपर से ही चला आ रहा होता है इनका, उस परिवार में ऊपर से ही चला आ रहा होता है, अच्छा खासा सब कुछ रुतबा चला आ रहा होता है। और ये रहता है कि जैसे लड़का लड़की का चक्कर होता है कि चार लड़की पांच लड़की अगर हो गई तो भी एक लड़के के लिए आदमी वेट करता रहता है, जो ये गांव में, शहरों में भी चलता है, कहने की बात होती है कि ये सब लोग सोचते नहीं, पर ये भी सोचा जाता है। ऐसे घरों में ज्यादातर वो सोचा नहीं जाता, इनके जो संतान होते हैं ना, टाइम पर जो चाहिए वो मिल जाता है।
जैसा जैसा चाहिए होता है उसी हिसाब से इनके संतान होते जाते। साउथ वेस्ट ऐसे बढ़ाओ, ये दोनों भुजाएं 90 डिग्री नहीं है और ये ऐसे नहीं है, ऐसे जो मैंने ऐसे किया है ना, इसको सीधे ऐसे करिए। ये ऐसे, ये 90 डिग्री नहीं है, केवल आप ये ध्यान रखिए, ये सीधा सीधा नैऋत्य, साउथ वेस्ट को नैऋत्य कोण बोलते हैं, ये नैऋत्य सीधा सीधा नैऋत्य बढ़ी हुई भूमि होती है और बहुत ही वेस्ट भूमि होती है, जैसे ईशान बढ़ी हुई भूमि होती है, नॉर्थ ईस्ट बढ़ी हुई होती है, उससे आप एक दो पायदान ऊपर ही समझो, एक दो डिग्री ऊपर ही समझो, ये इतनी अच्छी भूमि होती है। यहाँ पर कैपेसिटी भी होती है लोगों में, यहाँ पर सारी क्षमता होती है, क्षमता को ठहराने की ताकत भी होती है। सीधी समझिए ना, आपका पैर मजबूत होता है यहाँ पर, ये रहने से आपके आइडियाज हैं और सारी चीजें हैं, आपके पैर में कोई वो नहीं है। अगर यहाँ पर कटा हुआ भूखंड है तो आपका पैर ठहरा हुआ नहीं है, साउथ वेस्ट हमेशा आपके कमर और कमर के नीचे भाग पे जाता है, आपका पैर ठहरा हुआ है, हिल नहीं रहा है, नीचे से हिल नहीं रहा है, जमीन आपकी ठहरी हुई है, आप जमीन वाले आदमी, आपकी बात सुनी जाती है, आपकी बात समझी जाती है, वेट वाले आदमी है आप, बातों से वेट वाले आदमी है, अगर ये वाली भूमि होती है। इसमें फिर आप ले लो, बढ़ी हुई तो हर तरीके से होती है ना, इसको हमने ले लिया, और एक तो ये बढ़ी हुई भूमि होती है और एक ये बढ़ी हुई भूमि होती है, ये दोनों ही अच्छी होती है इसमें, इसमें ये बढ़ी भी अच्छी होती है, ये बढ़ी भी अच्छी होती है, इसमें अगर आदमी कुछ रख लेता है, कैसा भी कुछ कर लेता है, केवल यहां पर इन दोनों जगह पे आदमी शौचालय ना बनाए, टॉयलेट से संबंधित कोई चीज ना करे, तो ये दोनों बढ़ी हुई भूमि अच्छी होती है, ओवरऑल ये दोनों और ये दोनों बढ़ी हुई, ये गुड भूमि होती है, बहुत